हाय एवरीवन, ये है फाइनल पार्ट और ये पार्ट मैं स्टार्ट कर रही हूँ। पहले तो मैं ब्लैक से एक आउटलाइन ड्रॉ कर रही हूँ इसकी हेयर जहाँ पे है शिव जी का, और सारे फ्लावर्स और रुद्राक्ष हर एक चीज़ का आउटलाइन मैं ब्लैक से बना रही हूँ क्योंकि यहाँ पे डार्कनेस ज़्यादा है और ब्लैक कलर यूज़ होने वाले हैं, तो इस एरिया को मैं पहले मार्क कर लेती हूँ। ये आपके लिए ईजी रहेगा। पहले मार्क करने की वजह से आप देखना आपका ड्राइंग बहुत जल्दी भी होने वाले है। ये बहुत आपको जल्दी आउट ऑफ करने में मदद करता है। जब ऐसे डार्कनेस रहे तो आप कोशिश करें पहले ब्लैक कलर से हर एक जगह को ऐसे आउटलाइन ड्रॉ करें। ओके, एंड आफ्टर फिनिशिंग द आउटलाइन ड्राइंग बाय ब्लैक कलर, आई विल कवर द हेयर बाय ब्लैक कलर। एंड प्लीज़ वन थिंग यू नीड टू फोकस दैट द हाइलाइटेड वाली एरिया को आपको कवर नहीं करना है ब्लैक से, वो बाद में हम इसके ऊपर ग्रे कलर अप्लाई करके हाइलाइटेड प्लेस को हाईलाइट करेंगे, पर इसके ऊपर फर्स्टली आपको डार्क कलर अप्लाई नहीं करना है। और लेफ्ट साइड से हेयर का वहाँ पे थोड़ी सी लाइट्स आ चुका है, वहाँ पे एश कलर शो कर रही है क्योंकि ये ग्रे पेपर के ऊपर एश कलर शो नहीं होती है, इसलिए हम एक ब्लैक कलर की हल्की लेयर डालेंगे, उसके बाद ग्रे कलर से उसको ब्लेंड करेंगे। ये कलर पेंसिल ड्राइंग आप घर पे बना सकते हो, बहुत ईजी है और इसमें डिटेलिंग भी काफ़ी कम है, तो आप घर में बहुत इजीली बना सकते हो। मैं ऑलरेडी इसका फर्स्ट पार्ट भी अपलोड कर चुकी हूँ। फेस में कलर करना थोड़ी सी मुश्किल होता है क्योंकि वहाँ पे बहुत सॉफ्ट लुक देने की ज़रूरत होती है, और अदरवाइज नेक, हैंड्स, ईयर्स पे इतनी ज़्यादा सॉफ्ट लुक नहीं भी आएंगे तो भी चलेगा, तो उतनी ज़्यादा ये दिखाई नहीं देता है, पर ज़्यादा टाइम सिर्फ फेस पे ही लगता है। अदरवाइज़ और कोई जो जगह होती है बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाती है, तो इसीलिए फेस पे बहुत ज़्यादा टाइम मुझे लगा था। और नेक्स्ट बहुत इजी है, आप घर पे कहीं भी बना सकते हो इसको देख के। जैसे कि मैंने बताया था कि ग्रे कलर से ब्लेंड करूँगी, तो देखो अभी ग्रे जो कलर है वो शो भी कर रहा है, ऐसे ब्लेंड कर रही हूँ मैं उसके ऊपर से, तो ब्लैक कलर के साथ मर्ज होके बहुत अच्छा एक ग्रे कलर ये ला रहा है। हाईलाइट भी हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे जेल पेन से। अगर आपके पास जेल पेन नहीं है, पिछले दिन भी मैंने आपको बताया था कि जेल पेन की जगह आप यूज़ कर सकते हो वाइट एक्रेलिक पेंट, कोई भी फेविकल पेंट भी हो सकती है, आपकी जो शॉप है स्टेशनरी शॉप वहाँ पर जाके कहीं भी मकान से आप इसको अफोर्ड कर सकते हो, बहुत कम प्राइस में आपको मिल जाता है, 15 या 20 रुपये का एक्रेलिक का छोटा डब्बा मिलता है, तो आप उससे भी हाईलाइट प्रोवाइड कर सकते हो। तो कुछ कुछ जगह पे ब्लैक थोड़ी सी कम दिखाई दे रही थी, तो मैं दोबारा इसको अप्लाई करके बहुत फिनिशिंग लुक दे दिया। तो अभी हाईलाइट की बारी है, तो मैं यहाँ पे जेल पेन यूज़ कर रही हूँ। ये जेल पेन अगर आप ख़रीदना चाहते हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम में फॉलो करो, मेरा इंस्टाग्राम आईडी आर्टिस्ट शिवली है, वहाँ पे ब्रॉडकास्ट चैनल है, आप मेरी प्रोफाइल में जाके ब्रॉडकास्ट चैनल को ज्वाइन करो, मैं वहाँ पे सब कुछ शेयर करती हूँ। अगर आपको कुछ चाहिए, कोई रिंग लाइट चाहिए, कोई मटेरियल्स चाहिए, तो वहाँ पे मैं लिंक शेयर करती हूँ, और मैं जो वर्कशॉप करवाती हूँ वहाँ पे बहुत सारे डिटेल्स में आपको मैं बताती हूँ, कौन से मटेरियल आपको परचेस करना चाहिए सब कुछ मैं आपको वहाँ पे दिखा देती हूँ, तो ये दोनों चीज़ आप कर सकते हो। और अगर आप मेरे वर्कशॉप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो मुझे, मेरे इंस्टाग्राम में मेरा बिजनेस जो नंबर है वो शेयर रहती है। अभी देखो मून की ऑप्शन में कर रही हूँ, थोड़ी सी ब्राउन कलर मैंने यहाँ पे यूज़ किया है क्योंकि रेफरेंस पिक्चर में यहाँ पे थोड़ी सी ब्राउन शेडिंग दिखा रहा था, और उसके बाद बाकी रेस्ट एरिया में मैं ब्लैक कलर को बहुत हल्की तरीके से अप्लाई किया है, और लेफ्ट साइड में ब्लैक कलर को थोड़ी सी डार्क के साथ मैंने अप्लाई किया, मतलब विथ प्रेशर के साथ। और अभी ग्रे कलर से मैं ब्लेंड कर रही हूँ, इस समय लाइट नहीं था तो सिर्फ आपका डे लाइट में मैं काम कर रही थी, तो यहाँ पे ब्लैक दिखा रहा है, पर मैं आपको यहाँ पे बता दे रही हूँ क्या क्या मैं यूज़ किया है यहाँ पे। उसके बाद मैं थोड़ी सी वाइट कलर से ब्लेंड किया ऊपर की तरफ, यहाँ पे थोड़ी सी ब्लैक कलर यूज़ किया मून के ऊपर, उसके बाद इसको मैं ब्लेंड किया ग्रे कलर से। अभी बीच में मैंने देखो हाईलाइट क्रिएट किया है वाइट पेंसिल के ज़रिए, ताकि ये जो मून है दोनों पार्टीशन है यहाँ पे, तो डिवाइडेड है इस तरीके से, तो इसी तरीके आप दिखा सकते हो।
कलर पेंसिल ग्रे पेपर के ऊपर करने से बहुत अच्छी तरह से जचती है। बेसिकली ग्रे पेपर कलर पेंसिल के लिए ही मैन्युफैक्चर किया गया है, तो इसीलिए देखो वाइट कलर कितनी अच्छी तरीके से यहाँ से शो हो रही है। अभी स्नेक के ऊपर कलर डाल रही हूँ। स्नेक का जो कलर है वो रेफरेंस में ब्लैक भी दिखा रहा है, पर थोड़ी सी ब्लू शेड भी वहाँ पर है, तो मैं यहाँ पर डार्क ब्लू यूज़ कर रही हूँ, उसके ऊपर मैं ब्लैक कलर यूज़ करूँगी ताकि हेयर के साथ ये जो स्नेक है बिल्कुल मर्ज ना हो जाए, इसीलिए मैं ये कलर डाल रही हूँ। अदरवाइज़ ब्लैक कलर अगर डालती हो तो इसका ब्यूटीफुल जो है एक ब्यूटीफुलनेस जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, तो इसीलिए मैं पहले ब्लू कलर यूज़ किया उसके बाद ब्लैक यूज़ कर रही हूँ। अभी ऊपर की तरफ मैंने ब्लैक यूज़ नहीं किया क्योंकि वहाँ पर शाइन आपको दिखाना है, तो इसलिए मैं वहाँ पर बिल्कुल ही छोड़ दिया और नीचे की तरफ मैं ब्लैक कलर से ब्लेंड कर दिया। अभी देखो वाइट कलर से मैं ऊपर की तरफ फिर इसे ब्लेंड करूँगी ताकि वो मर्ज हो जाए। उसके बाद हाईलाइट मैं कैसे क्रिएट करती हूँ वो भी मैं दिखा देती हूँ। जेल पेन के ज़रिए यहाँ पे क्रिस क्रॉस एक स्टाइल बना हुआ है, एक मार्क बना हुआ है जो कि स्नेक के ऊपर दिखा रहा है, उसके लिए आपको क्रिस क्रॉस टाइप से सिर्फ ऊपर के पोर्शन में ही आपको करना है, क्योंकि नीचे का पोर्शन जहाँ पे डार्कनेस है वहाँ पे नहीं दिख रहा है, वो ऑफ साइड चली गया है, तो सिर्फ ऊपर के पोर्शन ही अब डालना है। अभी स्नेक का फेस जो है वो करने को मैं जा रही हूँ, वो सिर्फ ब्लैक कलर ही अब यूज़ करना है एज रेफरेंस यहाँ पे दिखा रहे हैं, और सेम ग्रे पेपर के ऊपर ग्रे पेंसिल बिल्कुल शो नहीं करता, तो पहले हल्के से आप वाइट कलर से एक लेयर दीजिए, सॉरी ब्लैक कलर से लेयर दीजिए, उसके बाद ग्रे के साथ आप ब्लेंड कीजिए तो बहुत अच्छा लुक देता है। अभी बारी है रुद्राक्ष की, वो मैं कर रही हूँ डार्क ब्राउन से। कोई भी कलर पेंसिल ब्रांड की आप यूज़ कर रहे हो, मैं डार्क ब्राउन बोलो तो कोई भी पेंसिल आप उठा लो ब्राउन के अंदर डार्क तो आपको मिल जाएगा एग्जैक्ट, अगर आपको कलर नहीं आ रही है तो। एक्चुअली ये वॉलनट था, पर डोम्स और फेवर कसल कोई भी आप यूज़ करते हो तो उसके अंदर कलर मिक्सिंग नहीं होता है, कि वॉलनट नाम की कोई पेंसिल नहीं होता है, होता है कुछ ब्राउन डार्क ब्राउन, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि डार्क ब्राउन कलर। अभी देखो ब्राउन कलर से मैं रुद्राक्ष को कर लिया स्क्रम्बलिंग जो शेड होती है उसकी तरफ से, उसके बाद नीचे की तरफ ब्लैक कलर में यूज़ किया ब्लैक वहाँ पे डार्कनेस दिखाने के लिए, उसके ऊपर मैं फेस का जो लाइट कलर होता है पीच पफ उससे मैं थोड़ी सी टचअप दिया ऊपर की तरफ। जेल पेन से मैंने हाईलाइट क्रिएट किया तो देखो पूरी बिल्कुल रुद्राक्ष की तरह लग रही है। रेफरेंस में ये रुद्राक्ष ज़्यादा विजिबल नहीं है, बहुत हल्के से विजिबल है, पर ड्राइंग को अच्छा बनाने के लिए मैंने रुद्राक्ष को ऐसे ड्रॉ किया है, ठीक है। अभी बारी है आपका ईयर का, जहाँ पर डार्कनेस है वहाँ पर मैं ब्लैक कलर से यूज़ किया, और जहाँ पर डार्कनेस नहीं है जहाँ पर स्किन कलर दिख रही है वहाँ पर मैं स्काई ब्लू यूज़ कर रही हूँ। आपकी जो कलर पैलेट है, जो कलर है उसके अंदर सबसे हल्का जो ब्लू कलर है उसी कलर से आप ये शिव जी का ड्राइंग बनाइएगा, क्योंकि रेफरेंस में यही है, जितने हल्का सबसे ज़्यादा जो ब्लू कलर हल्का है उसी को यूज़ कीजिएगा। तो अभी मैं हाईलाइट दे रही हूँ जेल पेन से, और कभी भी आपको लगे कि डार्कनेस थोड़ी ज़्यादा है तो सेकेंड लेयर भी आप अप्लाई कर सकते हो, जैसे मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। कभी भी एक बारी में मैं कभी भी कहीं पे लेयर नहीं देती हूँ, पहले तो हल्के लेयर देती हूँ, उसके बाद अगर ज़रूरी हो तो मैं दूसरी लेयर दे देती हूँ। कान में छोटी सी एक ज्वेलरी दिख रहा था जिसका शाइनिंग ऐसा, तो उसको मैंने वॉलनट और ब्लैक से बना के जेल पेन से शाइन दे दिया। अभी नेक में यहाँ पे थोड़ी सी येलो शेड था और पिंकिश शेड था, जहाँ जहाँ पे पिंकिश शेड था वहाँ पे हल्के से मैंने मार्क कर लिया कि इस टाइप से यहाँ पे पिंकिश शेड है, तो वहाँ पे बहुत ही हल्के तरीके से पिंक कलर मैंने अप्लाई कर दिया। लाइट पिंक जो आपकी कलर पैलेट में है वही लाइट पिंक आप यहाँ पर यूज़ करिएगा। अभी ये ब्लू कलर जो है बहुत हल्की लेयर से हर एक जगह पर आपको अप्लाई करनी है, उसके बाद इसको सेकेंड लेयर अप्लाई करेंगे ब्लू कलर की, वो भी बहुत डीप प्रेशर के साथ। ओके, ये मैंने लाइट प्रेशर के साथ अप्लाई किया, उसके बाद डीप प्रेशर के साथ अप्लाई करेंगे। अभी देखो ब्लैक कलर से यहाँ पे जो शेडिंग आई है वो आपको क्रिएट करना है, मैं ब्लैक कलर ही यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। और अगर आपके पास एक्सप्रेसो कोई कलर है वो ना ही ग्रे होता है ना ही ब्लैक होता है, तो उससे भी आप कर सकते हो, क्योंकि ये ड्राइंग जब मैं कर रही थी तो मेरा स्टूडेंट्स के पास तब एक्सप्रेसो कलर नहीं थे, तो वो लोग बोले अल्टरनेटिव कौन सी कलर मैं यूज़ कर सकती हूँ, तो मैं उन लोगों के लिए यहाँ पे ब्लैक कलर यूज़ किया कि आप लोग ब्लैक भी यूज़ कर दे सकते हो यहाँ पे। अभी मैं यूज़ कर रही हूँ देखो ब्लू कलर सेकेंड लेयर, वो भी बहुत प्रेशर के साथ, ताकि ब्लेंडिंग अच्छा हो।
थर्ड लेयर मैं दे रही हूँ, आप देख सकते हो एक ही लेयर में अगर अच्छे से आप ब्लेंड नहीं कर पाते हो तो आप थर्ड एफोर्ट भी कर लेना, तो ये बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाती है। अभी देखो कलर बहुत अच्छा आ रही है, रेफरेंस पिक्चर में आपको ज़्यादा डार्क दिख रही होगी क्योंकि रेफरेंस पिक्चर जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ तो वो फ़ोन पर बहुत ज़्यादा डार्क लगता है, पर एक्चुअली वो उतना ज़्यादा डार्क नहीं है, लाइट ही है, इसलिए मैं लाइट ही बना रही हूँ। अभी देखो मैं वाइट से ब्लेंड कर रही हूँ, जहाँ पे यहाँ पे आपकी लाइट आई है, आपको टिंट कलर दिखाना है तो वहाँ पे आपको वाइट से ब्लेंड करनी है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी डार्कनेस ज़्यादा है तो मैं ब्लैक कलर की अप्लाई कर रही हूँ। नेक्स्ट लेयर रुद्राक्ष की जो शेडिंग है वो स्नेक के ऊपर ऐसे पड़ा है तो मैंने ऐसे शेडिंग कर दिया है। उसके बाद नीचे वाली जो स्नेक है वहाँ पे मैं फिर से सेम कलर यूज़ कर रही हूँ ब्लू, उसके ऊपर मैं ब्लैक कलर यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप ही ये सबसे ज़्यादा डार्क ब्लू है तो आपके पास सबसे ज़्यादा जो डार्क ब्लू है वही यूज़ कीजिएगा, उसके ऊपर आप ब्लैक कलर यूज़ कीजिएगा। नीचे की तो सांप की जो ये जो स्किन है उसको उसके लिए मैं हल्के से ब्लैक कलर यूज़ करूँगी, उसके बाद ग्रे से ब्लेंड कर दूँगी तो बहुत अच्छी सी एक ग्रे कलर यहाँ पर यूज़ होगा। अभी मैं देखो जेल पेन से यहाँ पे आपका जो क्रिस क्रॉस लाइन है स्नेक्स का बॉडी पार्ट्स का जो डिज़ाइन है वो मैं क्रिएट कर रही हूँ, तो बहुत अच्छी तरीके से लुक देता है। अगर आपके पास जेल पेन नहीं है तो आप एक्रेलिक पेन से एक ब्रशेस से भी आप ऐसे मार्क कर सकते हो, ठीक है। अभी देखो नीचे की तरफ भी आपको इसे शाइन बनाना है क्योंकि ग्लॉसी है, हाईलाइट आ रही है, एज रेफरेंस भी आपको दिखने को मिल रहा है तो वहाँ पे क्रिएट करना है। अभी बारी है आपका फ्लावर्स की, मैंने यह ऑरेंज कलर के फ्लावर्स के नीचे रेड कलर जो है उससे मैं स्क्रम्बलिंग टाइप का एक मार्क किया है, मतलब स्क्रम्बलिंग शेडिंग आपको पता ही होगा तो ऐसे स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है जिसको लगता है कि फ्लावर यहाँ पे है तो फ्लावर का शेप आप दे सकते हो। ऐसे येलो के ऊपर मैं ब्राउन से ऐसे स्क्रम्बलिंग किया, उसके बाद येलो कलर दिया तो बहुत अच्छी तरीके से हम फ्लावर को भी दिखा सकें। सेम तरीके से रुद्राक्ष को भी मैं यहाँ पे कर दिया जैसे अपर बली किए थे ब्राउन, उसके बाद आपका स्किन कलर और ब्लैक से मैं लाइट एंड शेड क्रिएट कर लिया, उसके बाद मैं ऐसे उसको रुद्राक्ष की नज़ारे दे दिया। और उसके बाद एकदम लास्ट में आपको जेल पेन से या तो फिर एक्रेलिक पेन से उसके ऊपर शाइन आपको दिलाना है। अभी यह मैं बहुत रेड कलर ही है, रसबरी कलर है, उससे मैं लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ आपके जो फ्लावर है उसका शेडिंग दे दिया तो ऊपर से आपका लाइट आ रहा है वो देखने को मिल रहा है। अभी वाइट पेंसिल से देखो मैं डॉट डॉट छोटी छोटी हाइपिन टाइप का मैंने क्रिएट किया ताकि फ्लावर्स के ऊपर लाइट्स गिरा है वो आप अच्छी तरीके से दिखा सको। अभी मैं बैकग्राउंड में यूज़ कर रही हूँ ऑयल पेस्टल कलर, क्योंकि आप यहाँ पे कलर पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो पर कलर पेंसिल बहुत कॉस्टली है तो इतना सारा बहुत वेस्ट हो जाएगा मेरे हिसाब से, इसलिए मैं ऑलमोस्ट मैं कोशिश करती हूँ कि ऑयल पेस्टल से ही इसका बैकग्राउंड बना सकूँ। ये लाइट ऑरेंज है क्योंकि शिव जी का फेस का कलर है आपका लाइट ब्लू, तो उसका कंटेम्प्रेरी जो कलर होता है तो आपको कलर की इसके बारे में ज्ञान होनी चाहिए। काफ़ी सारे आर्टिस्ट को प्रॉब्लम भी होता है कि बैकग्राउंड का कलर क्या सेट करें अगर आप रेफरेंस को ऐसे बनाई हो तो उसका ऊपर भी मैं एक वीडियो डाल दूँगी ताकि आप लोगों को सुविधा हो और कोई कठिनाई महसूस ना हो। तो इस ब्लू के हिसाब से ऑरेंज ही अच्छा जाता है तो मैंने ऑरेंज कलर अप्लाई किया, तो देखो कितनी अच्छी तरीके से फोकस हो रही है शिव जी का ड्राइंग और मेरे फाइनल लुक बन के तैयार। अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक इट एंड डू फॉलो माई इंस्टाग्राम एज आर्टिस्ट शील ही। थैंक यू सो मच। अगर आपकी रेफरेंस चाहिए तो मेरे पॉडकास्ट चैनल पे आप ज्वाइन करो, मैं हर एक रेफरेंस वहाँ पे शेयर करती हूँ और ये फाइनल लुक वाली जो ड्राइंग है उसका पिक भी मैं वहाँ पे शेयर करती हूँ। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो विल अपलोड इट सून। बाय, हैव अ नाइस डे।